को लेकर देखो, अभी तो ये एक और नया मुद्दा है जो कि आ गया है। अभी तक तो हम लोग हमारे देश की जवानी को ही जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेट करना भी हमने स्टार्ट ही किया था क्योंकि हमारे देश की एवरेज एज 27 ईयर है ना। हमारे यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है, इसी यही हमारे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन जस्ट बिकॉज जितनी हमारे पास यूथ है उस हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट या हमारी इकोनॉमी या हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान भी दोस्तों बुजुर्ग होते जा रहे हैं जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, तो हमारे भी यहाँ पे दोस्तों ये टेंशन स्टार्ट हो चुकी है कि एजिंग वर्कफोर्स जो है क्रिएट है, जो कि होने लग गई है। ये आने वाले 10 साल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि 10 सालों के अंदर अगर हमने हमारे यूथ को काम में लिया तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये 10 साल अगर हमने हमारे यूथ को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही टाइम पास करते हुए शॉर्ट्स बनाते और शॉर्ट्स देखते ही अगर टाइम पास कर लिया लोगों ने और सरकारी नौकरियों की तैयारी के अंदर ही बहुत साल निकाल दिए, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा देश की GDP को हम लोग चाइना के बराबर लेके जाने को लेकर, है ना। फिर हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो उनके घुटने थोड़े दिक्कत करने लग जाएंगे। वैसे भी एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, टेंशन इतनी है करियर की, शादी की, बाकी चीज़ों की, वो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो अभी बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करें, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दुनिया में यंग पॉपुलेशन होने के पास में भी अभी एक रिसेंटली एनालिसिस किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, तो उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है जो कि यहाँ पे बताया है कि हम लोग अगर हमारे यूथ पॉपुलेशन की देखें और साथ में हमारी एजिंग पॉपुलेशन देखें तो वो बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पे 60 साल के आसपास की जो पॉपुलेशन है वर्किंग वाली वो बढ़ रही है। अब डाटा देख लो भाई, डाटा की बात करें तो 15 से 29 साल के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे पहले जो है ना 15 से 29 साल के जो पॉपुलेशन वाले जो वर्किंग फोर्स थी वो पहले 25% थी 2016-17 में। अभी 25% से गिरकर 17% है जो कि आ गई है 2022-23 के अंदर, समझ गए। यानी कि 15 से 29 वाले पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई है। इसी प्रकार से 30 से 44 के बारे में बात करें, मिडिल एज के बारे में बात करें तो यहां पे पहले 38% थी लोग, अब ये गिर के 33 हो चुकी है। यानी कि 45 वाले भी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई है। अब आते हैं 45 से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन 60 साल तक की, जो कि पहले दोस्तों 37% थी, अभी ये बढ़ के 49% है जो कि हो चुकी है। तो ये जो तीसरा वाला एज ग्रुप है ना, ये हमारे लिए दोस्तों बहुत ही चिंता का विषय है ना। नौकरियों की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साल दो साल तीन साल है ना, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कितने साल आपको देने हैं सरकारी नौकरी के लिए। जितने दे रहे हो उतनी अच्छी बात है, उसमें पूरा जोर लगाओ। नहीं हो रहा है उसके बाद में भी अगर टाइम जा रहा है तो अपनी स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ सीख लो। अच्छा, दुनिया में बहुत कोर्सेज हैं, बहुत जॉब्स हैं, लोग काम करने वाले नहीं है यार, नौकरियां नहीं है, ऐसा नहीं है, बात है स्किल ही नहीं है लोगों को के पास में, लोगों को काम करने का मोटिवेशन ही, मतलब लोगों को चाहिए बस सुबह जाके शाम में आ जाए, अपन बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तब जाके चीजें हैं जो कि थोड़ी अच्छी होती है। ओके, तो इसका कुछ जो मेजर कारण है वो देखो, एक तो यही है स्किल वाला, एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर कारण है कि हमारे यहाँ पे इतना तेजी से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, दूसरा स्किल लोग नहीं क्रिएट कर पा रहे, तीसरा हमारे यहाँ पे जो इंफ्रा जो है वो हम लोग इतना तेजी से बिल्डअप नहीं कर पा रहे, तीन मेजर कारण है। और चौथा घर वालों की उम्मीदें, लड़की वालों की उम्मीदें सरकारी नौकरी, ये भी अपना एक आप में बड़ा कारण है क्योंकि लिमिटेड सरकारी नौकरी है। पूरे देश के अंदर 25 से 50 करोड़ के आसपास फॉर्म है जो कि भरे जाते हैं। टोटल सरकारी नौकरी अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ है पूरे देश के अंदर, 2 से 3 करोड़ की सरकारी नौकरी है, स्टेट सेंटर वेंटर सब कुछ मिला के टोटल हमारे देश में 45 करोड़ लोग हैं जो कि काम करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 से 3 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सरकारी नौकरी का है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर आदमी जो है ना वो आपके सरकारी नौकरी जो है उसको मिल सके। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पूरे का पूरा देश एक ही नौकरी में ट्राई करता है तो मिलती तो कुछ लोगों को है, बाकी लोगों को सेल्फ डाउट होने लग जाता है। जबकि ऐसा नहीं है यार, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि फिर वो सेल्फ डाउट होने लग जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है बंदा, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, मैं शायद लायक ही नहीं हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अगर आपका एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 99.99% नहीं, 101% दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू जज योरसेल्फ, अपने आप को